फ्रेंड्स, तो आज हम लेके हैं आपके लिए एक नया व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद सविता। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग हम बनाने जा रहे हैं ये है पोर्चुगल से दुबई का ट्रिप। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप भी हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम आपके लिए लेके आएंगे नई नई वीडियोस। अगर आप भी दुबई घूमना चाहते हैं तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे मुझे कॉल्स, मैसेजेस भी आते थे कि अगर हमें दुबई जाना है तो दुबई के लिए हमें वीज़ा चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यस, आपको दुबई ट्रैवल करने के लिए आप विजिट वीज़ा की ज़रूरत होती है, वो मिनिमम। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फारो सिल्सबर्न पहुँच चुके हैं। हमने फ्लिक्स बस ली थी, तो उसके बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था। हमने सोचा एक राउंड लगा लेते हैं वास्को डी गामा मॉल में। तो हम मॉल में एक राउंड लगा के आए, थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, थोड़ा मंचिंग के लिए सामान ले लिया। उसके बाद अब हमने टैक्सी ली है जो कि फारो एयरपोर्ट के लिए। तो हम पहुंच जाएंगे विद इन 5 to 10 minutes एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद ही आपको दिखाते हैं चेक इन होगा, कितना टाइम हमारे पास, फ्री टाइम हम क्या करेंगे, एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन, आपको सारी डिटेल में हम बताएंगे। आपके साथ ये वीडियो जल्द ही शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया टैक्सी जो कि लिस्बन से लिस्बन एयरपोर्ट पर जा रही है। तो रास्ते में जाते जाते वहाँ पे रेड लाइट्स पे आप देख सकते हैं, एक मैंने वीडियो भी कैप्चर की थी, इसमें एक लड़की ने यहाँ पर एक एक्टिविटी की थी, बहुत ही अमेजिंग थी। आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आसपास में रहते हैं आप देखने भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चल पड़े हैं अपने। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं टर्मिनल 1 पे, जो कि एयरपोर्ट टर्मिनल 1 लिस्बन में है। तो अभी हम कर रहे हैं एंटर एयरपोर्ट में, आप देख सकते हैं, और हम जाते हैं अंदर तो देखते हैं आगे। तो देख सकते हैं पहुंच चुके हैं बर्गर किंग में। अभी हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा कुछ खाते हैं। तो हम घर से फूड भी लेके आए थे, तो अभी हम खाने जाते हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर लिस्बन। तो अभी हमें लगी थी भूख, और हम जब भी बाहर जाते हैं तो अपने घर से खाना बना के लेके आते हैं, चाहे बाहर से भी खाएं, बट अपने घर का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने बनाई थी भिंडी भर के, और थोड़ा सा लाए थे हम अचार। इसके बाद मैंने बनाई थी रोटियां। आज रोटियां थोड़ी ज़्यादा बन गई है, थोड़ा आटा ज़्यादा था, तो मैंने सोचा जितनी रोटी खानी है खा लो पेट भर के, उसके बाद तो आप खाओगे अच्छी अच्छी चीज़ें दुबई पहुँच के। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा खाना। अगर आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं और हमारे वीडियो को आगे आगे देखते रहिए। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ, बोर्डिंग करवाने के लिए। बोर्डिंग करवाने के बाद देखते हैं हमें कौन सा काउंटर मिलता है। तो हम अभी जा रहे हैं, और देख सकते हैं बहुत ही रश है यहाँ पर लाइंस में। तो इसको भी मे बी कम से कम 20-25 मिनट्स लगेंगे। तो उसके टाइम के दौरान हम यहाँ पर रह के अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बोर्डिंग हमारी हो चुकी है और बोर्डिंग पास हमारे पास आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम जा रहे हैं ड्यूटी फ्री की तरफ। तो देखते हैं वहां पर अगर हमें कुछ मिलता है, थोड़ी बहुत हम शॉपिंग कर लेते हैं, और फिर हम आपको दिखाते हैं वहां पर क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं वाइन सेक्शन में, आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी क्यूट जैसी बॉटल्स पड़ी हुई है। तो अगर आप भी पीते हो आप यहाँ आ सकते हैं और बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना चाहते हैं ये भी ले सकते हैं। और हमने भी इसमें से 2-3 बाय की है, बहुत ही अच्छी है और बहुत क्यूट लगी है, तो बहुत अच्छी।
fantastic world of the Portuguese sardine. Our factory called Calmora has been canning fish since the beginning of the last century. We actually started in the First World War. We did a lot of canning of eels to the soldiers in the First War. And then we expanded. Right now we have more than 20 varieties of fish in can. We're all tasting for everyone. So please join us and see our fantastic world. Obrigada, muito obrigada. वाओ, इतना सारा गोल्ड, ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए आप भी आ सकते हैं बट ये गोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, ये है फिश। जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो टाइम आ गया है, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं प्लेन की ओर, हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सीट पे, तो यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई है वो सब रेडी है, तो हम बैठ सकते हैं और आप इन्जॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन में जो वहाँ की दुबई के अट्रैक्शंस है उसके बारे में बता देती हूँ, जिससे आप यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हैं और ट्रैवल करते टाइम आप अपनी आइटनरी तैयार कर सकते हैं एज़ पर योर नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए। तो यहाँ पर 1 to 7 पेजेस दिए हुए बहुत सारे अट्रैक्शंस है, वो बहुत फेमस है, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है पाम जुमेरा है, शारजा आर्ट फाउंडेशन है, सिटी वॉक है, द बीच JBR है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे अट्रैक्शन हैं, यहाँ पर आप 1 day, 2 days, 3 days, 4 days में घूम सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है, मैं वीडियोस में भी दिखा रही हूँ, आप वीडियोस देख के भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है बीच है, JBR बीच। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते
मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई है पायलट को फ़ोन लगाया जाए और उनको एमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की जाए। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उनको भूख लगी है, तो इसीलिए मैं कॉल कर रही हूँ। देखो एमरजेंसी लैंडिंग होती है कि नहीं होती है। असुविधा के लिए खेद है, जैसे कि मेरे हस्बैंड की जो फरमाइश है वो कैंसिल कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, आप अपने आइटनरी रेडी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुका है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया था क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी मूवीज़ देखी है, पाँच दस मिनट छोड़ के नई नई मूवीज़, सॉन्ग्स और कपिल शर्मा का शो सब कुछ देख लिया विद इन 5। अभी हो चुका है स्लीपिंग मोड ऑन, आप देख सकते हैं बहुत नींद आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी रेस्ट की जाए, तो 2-3 घंटे हमने की रेस्ट।
अभी हमारा डिनर भी आ चुका है और हमें लगी थी भूख, मिला है खाने में पास्ता, पुडिंग और जूस मिला है, ब्रेड मिली है, मंतेगा मिला है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं फूड। तो मिलते हैं आपको आगे। अभी हो चुकी है सुबह, तो आप देख सकते हैं सनराइज़ हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं चेक करती हूँ कहाँ पहुँच गए, कितना टाइम लगेगा। और तो हम पहुँच चुके हैं बहरीन के आसपास, आप देख सकते हैं। तो हमारी जो फ़्लाइट लैंड हो गई 8:23 पे मॉर्निंग में, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी और रेस्ट की जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। अगर आप एमिरेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट, आप कनेक्शंस यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको स्क्रीन्स में दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद आपका बैगेज कौन से काउंटर पे आएगा, कौन से जगह पे आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती है। तो अभी आ चुका हमारा ब्रेकफास्ट, हो गई है सुबह, तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद देखते हैं अभी कितनी देर तक हमारी जो फ़्लाइट लैंड हो रही है। पहले हम करेंगे पेट पूजा, फिर काम दूजा। सो गाइस, हमारा प्लेन लैंड हो चुका है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे। अब हम बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट अपने फ़्लाइट से, और हम अपना बैगेज क्लेम करेंगे। स्मार्ट गेट से पहले निकलेंगे, फिर बैगेज क्लेम करेंगे, देन वी आर आउटसाइड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग पुर्तगाल से दुबई।